हमारा मेहमान है नेपाल से आया माशाल्लाह, आप मुझसे पैसे ले और भाई को गिलास पिए, भाई माल्टा खाया, आपने जो चीज खानी चाहिए मैं अपनी तरफ से खिला दूंगा। यार अभी मैं बहुत ज्यादा कसम से परेशान हूँ यार, ये देखो इतने पैसे नेपाल के मेरे पास, इधर चेंज नहीं होती है यार। खाना नहीं खिला सकते यार आप? रेस्टोरेंट है भाई, यहाँ रेस्टोरेंट में खड़े हैं आप, यहाँ पे बिल पे करें अपना कैश के साथ। हाँ सही बात, हाँ सही है भाई, थैंक यू भाई। मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मेरे पास मेरी नेपाल की करेंसी है ये वाली, तो ये आप इसके बदले खाना खिला देंगे मुझे? तो अभी जो मेरे पास नेपाल की करेंसी है ना, वो पाकिस्तान में चेंज नहीं होती है। तो मैंने अभी ना बस स्टैंड पे इधर जाना, कितना किलोमीटर है इधर से? 15-20 किलोमीटर है। 15-20 किलोमीटर है, अच्छा। तो यार दरअसल मेरे पास पैसे नहीं, या तो आप लोग नेपाल की करेंसी ले लो या फिर मुझे उधर कोई छोड़ के आ जाओ यार, मेरी बस निकल जानी, मेरी फ्लाइट है कल की नेपाल की। तो यार ना दरअसल मैं नेपाल से आया हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैंने लाहौर जाना है, तो मेरे पास ये नेपाली मेरी करेंसी है, तो आप थोड़ी हेल्प कुछ कर देंगे? हजूर का घर में सब जाना संचय नुंचा। सर ये कौन से बोल रहे आप हमारे साथ? ना पंजाबी में बात करो या उर्दू में बात करो, हमें 100 रुपए की प्लेट है ना, इसे हम लोग 500 रुपए हमारी तरफ से इनाम देंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है शहजादे, फिट फाट हो? उम्मीद करता हूँ सब ओके होंगे, ओके की रिपोर्ट में होंगे। तो गाइस अभी मैं मौजूद हूँ जी पाकिस्तान के सुबह पंजाब के इलाके मिंचनाबाद में। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने नेपाली फ्लैग रखा हुआ है, ढाका टोपी रखी हुई है, इसके बाद ये ढाका रुमाल रखा हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पे नो मनी चैलेंज सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, देखते हैं कि भाई जो पंजाब के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, वो नेपाल के बारे में क्या सोचते हैं, एज अ नेपाली वो मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं। मतलब वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है ताकि ना लोगों का पता चल जाए कि जो है ना पाकिस्तान के लोग एक्चुअल में है कैसे। क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने नेपाल में एक नो मनी चैलेंज सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था कि यार भैया आप पाकिस्तान से आए हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि शोएब भाई पाकिस्तान में भी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ताकि नेपाल के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि भाई जो पाकिस्तान के लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम लोग खाना खाने के लिए इस होटल में चलते हैं, सामने वो मालिक बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम संचय नुंचा, पंजाबी में बोलो या उर्दू में? हिंदी आता है आपको? नहीं हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं आता है जी? पंजाबी उर्दू नहीं आता आपको? अस्सलाम वालेकुम। हाँ हिंदी उर्दू आता है, उर्दू में बात करूं। मुझे वैसे तो हिंदी उर्दू इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन मैं पूछ लूंगा आपकी उर्दू। मैं नेपाल से हूँ, तो मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मेरे पास मेरी नेपाल की करेंसी है ये वाली, तो ये आप इसके बदले खाना खिला देंगे मुझे? बैठ जाए खाना खा लेंगे। तो मेरे पास तो वो पाकिस्तानी पैसे नहीं है, ये पाकिस्तान में एक्सचेंज नहीं होता है। पैसे नहीं लेंगे, खाना खा ले। खाना खा ले ठीक है। किधर बैठे जी? इधर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ, इधर बैठना। ठीक है जी, थैंक यू। पूरा नेपाली बनना पड़ रहा भाई। देखो यार करंसी 100-100 वाले ऊपर रखे हुए भाई मैंने। ये हमारी मुर्गे की हाफ प्लेट आ गई है, साथ ये है जी पाकिस्तानी रोटी, ठीक है चलें जी। अभी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद देखते हैं किधर को निकलना है। चलें जी खाना हमने खा लिया है। ओके जी शुक्रिया जी, थैंक यू जी आपका शुक्रिया। चलो जी खाना गाइस हमने खा लिया, उनका शुक्रिया भी कर दिया है। अभी हम लोग 2 मिनट यहाँ पे खड़े होंगे, अभी हम लोग जाने लगे हैं वापस उनको पैसे देने के लिए, ठीक है? देखना सारे हैरान हो जाएंगे भाई। भाई जान चले आपके पैसे, कितने पैसे हुए? आप किधर से आ गए जी? आप किधर से आए? वो मैं आपको बताता हूँ ना कितने पैसे कितने हुए वैसे। कितने पैसे सर? 300 रुपया। तीन कितने पैसे? 300 रुपए। अच्छा मुझे ये बताएं आप यहाँ पे आप ये यहाँ के मालिक हैं या? नहीं मैं वैसे बैठा हूँ, मालिक क्या हुआ? इस्लामाबाद। मालिक नहीं आप, ठीक है। अच्छा आप 300 रुपए पहले काट लें और मैं सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा मेरा ये एक्सपेरिमेंट करने का मकसद ये है ताकि पता चले लोगों को कि यार मतलब अगर कोई टूरिस्ट आता है पाकिस्तान में घूमने के लिए, अगर उसके पैसे गुम जाते हैं या अल्लाह ना करे उसके छिन जाते हैं, तो वो बंदा पाकिस्तान में थोड़े दिन गुजार सकता है या नहीं,
बिना पैसों के लोग उनको खाना देते हैं नहीं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट था, थैंक यू, निकाल ले। अच्छा लगा यार, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, क्या दिखा रहे थे पीछे जी? हाँ वो मेरे पास नेपाली पैसे हैं, ऐसे ये पैसे नेपाली। ये 100 पैर निकाली, ठीक है? ये आप रख ले, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। देखना लोगों का भी कैसे हैरान हो के देख रहे, नोट वही चेक करो इधर। You are right. ये नेपाल से है जी, नेपाल का नोट है, 100 रुपए जी। ठीक है, ओके भाई जान, थैंक यू। अच्छा ये चेक करें कि बंदे का खुद का होटल नहीं रहा, पता है? वो बंदा यहाँ पे खुद मुलाजम था, लेकिन फिर भी यार उसने खाना खिला रहा है, बड़ी बात है। हेलो जी, कैसे हो? इधर सामने दो बंदे जा रहे हैं, हम लोग ना उनको बोलेंगे, आवाज मार दे पीछे से। हेलो भाई, हेलो भाई, संचय नुंचा, चला भाई, ठीक हो? संचय नुंचा, हजूर को नाम क्या हो? मुदस्सर। हजूर को नाम क्या हो? सर मेरा नाम आमिर जान है। आमिर जान हो, हजूर का घर में सब भाई जाना है, संचय नुंचा। सर ये कौन से बोलिए आप, हमारे साथ ना पंजाबी में बात करो या उर्दू में बात करो, हमें मलाई पंजाबी आंदा ही ना, नेपाली आंदा ही नहीं सर? नहीं यार, नहीं यार, नेपाली आंदा ही ना। आज तो तेरे को सुन दे पहले, हिंदी आंदा ही? हिंदी में बात कर, हिंदी में। देखो मुझे इतने अच्छे से हिंदी तो आता नहीं है, तो मैं मुश्किल से बोलना पड़ता है मुझे। तो दरअसल यार ना बात यह है भाई कि मैं नेपाल से हूँ, तो यार ना मेरे पास ये नेपाली करेंसी है, देखो ये नेपाली करेंसी है मेरे पास, तो यार पाकिस्तान में चेंज नहीं होते। नेपाल की थे, नेपाल यार इंडिया के साथ ही है। अच्छा ये नेपाल की करेंसी है, इंडिया के साथ? तो सर ये ना यहाँ पे चेंज नहीं होती? नहीं नहीं चेंज नहीं होती भाई, नहीं होती। अच्छा दरअसल की करिए यार, आप ऐसा करो कि ना मुझे थोड़ा सा यार, मैंने लाहौर जाना है, थोड़ा सा मुझे पैसे दे दो किराए के लिए, या फिर ये नोट रख लो, ये काफी है, ये मतलब बन जाए हमारे लिए, तो ये फजूल है, हमें इनका क्या करें? आप कभी दुबई नहीं गए? नहीं, दुबई नहीं कभी गए आप? तो आप यार आपका कोई जानने वाला कोई भाई रो, वो एक्सचेंज करवा देगा? अच्छा ठीक है, तो यार या फिर आप ये करेंसी रख लो, तो या फिर मुझे थोड़ी हेल्प कर दो यार, किराया मुझे दे दो थोड़ा। लाहौर की टिकट कितनी है इधर से? टिकट है तकरीबन 12-13 सौ रुपए। मुसाफिर बंदा है ना, बंद कर के आया यार, मदद कर दे। मेरे को 1100 रुपए करके 1000 इन दे दे। अच्छा राशन आप फिर ले लावांगे तो 200 मेरे को, 1200। आप राशन क्या, राशन का क्या कह रहे हो? राशन क्या सर? मैं राशन लेने जा रहा था, घर का सामान। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा चलो चलो आप ऐसे हम मजदूर हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हो आप? अच्छा अच्छा, 1000 पे। अच्छा 1000 पे तुसी ले लो, चलो 100 रुपए आप रख लो, ठीक है यार, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू, ओके भाई जान, थैंक यू, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। और बंदे अच्छे थे यार, 1000 रुपए दे दिया पता है जी। भाई बुला रहे हैं फिर से जी भाई, दरअसल मैं नेपाल से आया हूँ, नेपाल का पता है आपको? नाम सुना आपने? नहीं सुना। तो यार ना दरअसल मैं नेपाल से आया हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैंने लाहौर जाना है, तो मेरे पास ये नेपाली मेरी करेंसी है, तो आप थोड़ी हेल्प कुछ कर देंगे? पैसे नहीं आपके पास? ठीक है, थैंक यू, ओके जी, थैंक यू, चलें जी। वो बंदे किधर चले गए? वो तो बाल कटवाने वाली जगह पे खड़े, उनका पैसे तो दे दे, मैं तो भूल गया दूसरे के चक्करों में। वो सामने खड़े हुए हैं, उनको वापस दे के आते हैं यार, अच्छे बंदे थे यार। भाईजान मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, इधर बैठ जाओ यार। आपका दोस्त किधर गया भाई, जो साथ वाले? वो सामने खड़ा यार, खो गया वो सामने। भाईजान बात सुनो यार,
यार दरअसल बात यह है कि मैं ना सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आता है, कोई फॉरनर आता है घूमने के लिए, उसके पैसे गिर जाते हैं, छीन जाते हैं, कोई मसला हो जाता है ना, तो वो बंदे की जो पाकिस्तानी हेल्प करेंगे कि नहीं, मतलब करेंगे। तो यार इसी वजह से जो है ना मैं सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। नहीं 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 रखने नहीं, अरे भाई थैंक यू यार, नहीं नहीं रख ला यार, नहीं भाई थैंक यू, तेरी मदद की थी। नहीं नहीं यार थैंक यू यार, ऐसा ये लो। नहीं नहीं सर रख लो, आपका चाहिए तो आप हमारे पास मेहमान है, आप चाय चाय पी। नहीं यार नहीं शुक्रिया यार, आओगे यार एक चाय बनाना यार। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं चाय नहीं बनानी भाई, नहीं नहीं भाई मेहमान हो यार सर। नहीं यार थैंक यू यार, सर नहीं बोलो भाई बोलो यार। नहीं यार भाई सर, नहीं यार ये रखो यार। नहीं नहीं यार भाई आप रख, नहीं रख लो भाई, कोई बात रख लो यार रख लो भाई। अरे भाई बंदा रख लो यार। अच्छा मेरी जान, मैं सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मेरे पास पैसे हैं। नहीं सर भाई आप रख लो यार, कोई बात नहीं यार, आप इतनी दूर से हैं, आपने बोला है कि पैसों की जरूरत है, मैंने कहा ले लो कोई बात नहीं, मैं सामान फिर ले लूंगा यार, कोई बात नहीं। नहीं यार ये रख लो यार, आप इतनी जिद कर रहे यार। चलो भाई आप ठीक हो गया सर, थैंक यू यार थैंक यू। ओके भाई ठीक है, ओके शुक्रिया, ओके अल्लाह हाफिज, ओके चलो। अरे बंदे यार ले रहे थे कसम से, इतनी देर मिन्नतें करने के बाद मैंने पैसे दिए हैं भाई। अच्छा ट्रीट किया यार इन्होंने। और देखो ना ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है ना ज़्यादा लोग मजदूर हैं, ठीक है, मतलब उतने ज़्यादा कोई अमीर होते नहीं है, ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, ठीक है। वो साथ एक बंदा जा रहा था, उनको मैंने बोला तो वो कह रहे यार मेरे पास पैसे है नहीं ना। इधर ना ये कोई इतना बड़ा सिटी नहीं है यार, ये मतलब नॉर्मल लोग रहते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग ना इस बड़ी शॉप में जाते हैं, जाब आटोज। हेलो भाई कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह का भाई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, फिट फाट हो भाई? जी करम। अच्छा यार दरअसल बात ये है कि भाई मैं ना नेपाल से आया हूँ, तो यार ना इधर पाकिस्तान में एक तो नेपाल की करेंसी चेंज नहीं होती है यार, डॉलर चेंज हो जाते, पता ना यार इधर मेरे पास नेपाल की करेंसी है, तो मैं ना भूल गया, मैं चेंज नहीं करवा के लाया। यार अभी मैं बहुत ज़्यादा कसम से परेशान हूँ यार, देखो इतने पैसे नेपाल के मेरे पास, इधर चेंज नहीं होती है यार। तो यार आप ऐसा करो कि इसमें से ना थोड़ी सी यार ना मतलब थोड़े पैसे आप रख लो, कोई किराए के लिए मुझे दे दो, मैंने लाहौर जाना, मेरी फ्लाइट है, रिटर्न फ्लाइट है 2 दिन बाद की, ये पैसे रख लो आप, मुझे कुछ पैसे दे दो यार। आप परेशान नहीं जी, आप परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लेनी, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई हैं जी भाई, मेहरबान जनाब, जितने जरूरत है हम आपके करें। नहीं बस मुझे थोड़े से पैसे दे दे बस, मतलब कहाँ जाना है आपने? मैंने भावनगर जाना है। भावनगर जाना जी, तो मैं आपकी वैसे हेल्प कर देता हूँ, आप भाई आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप नेपाल से हैं? जी जी नेपाल से, ठीक है ओके भाई, आप मुझे वैसे ले ले, ओके भाई आप रख ले, ठीक है यार थैंक यू यार। और चाय पिए? नहीं 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 मेहरबानी यार, शुक्रिया होगा। अच्छा अभी यहाँ से भावनगर की बस कहाँ से मिलेगी? ये 7 ही है अड्डा। अच्छा इधर से बस मिल जाएगी? हाँ बस मिल जाएगी। अच्छा कितना है उसका किराया वैसे? किराया है भावनगर का 200-300 रुपये। चलो 200-300 मुझे बच जाएगा, थैंक यू यार, थैंक यू भाई, थैंक यू यार, थैंक यू भाई लोग, थैंक यू, ओके भाई, ओके ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं भाई शुक्रिया यार, मोहब्बत है आपकी यार। ओके ये जगह का नाम क्या है? ये पंजाब आटा, मिंचनाबाद। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई, मिंचनाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं यार कसम से। देखो 500 दे दिए यार, ओवर एक्टिंग कर दी यार मैंने इतनी ज़्यादा, है ना। चलो 500 रुपये बन गया भाई, काफ़ी दूर आ गए हैं, चल यार हम लोग जाके ना वापस करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी मैं उनको जाके सीधा ही बता दूंगा कि भाई मैं सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना भाईजान। यार दरअसल मैं बात ये है कि मैं ना सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आता है तो उसके अगर पैसे अल्लाह ना करे गुम जाते हैं या कहीं से छीन जाते हैं, कोई भी मसला हो जाता है, तो बिना पैसों के वो अपने कंट्री में कैसे जा सकता है? बिना पैसे के लोग यहाँ पे उसको खाना देते हैं कि नहीं, हेल्प उसकी करते हैं कि नहीं? यार आपने कसम से दिल जीत लिए यार पैसे यार आपके। यार कोई बात नहीं यार, रहने दें। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं रहने देंगे। आया नहीं नहीं यार ना परेशान, नहीं नहीं यार मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत है, पाकिस्तानी लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। हाँ नहीं नहीं यार थैंक यू यार, नहीं नहीं रहने दे आप ले लें। नहीं नहीं यार कोई बात नहीं भाई, मुझे पता है अल्लाह ने आपको बहुत दिया, लेकिन आपने हेल्प की है ना, ये जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे आपको लगता है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आए घूमने के लिए और लोग उसकी हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल जरूर हेल्प करेंगे, करेंगे बिल्कुल। और अगर कोई इंडियन आ जाए फिर भी आ जाए, हम हाजिर है जनाब, हम उसको भी हेल्प करेंगे।
इंडिया वालों की भी हेल्प करेंगे। चलो ठीक है, शुक्रिया। चलो यार ये रख ले, ओके। नहीं नहीं रख ले, बस नहीं, यार, नहीं। रख लो, रख लो भाई। अरे भाई रख लो, कसम से। थैंक यू यार, आपका आपकी मोहब्बत है यार, कसम से। मैं खुश हूँ भाई, आप पे, आप पे खुश हूँ भाई। ओके ओके, थैंक यू ब्रदर, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, देखा यार, कसम से कितनी हेल्प करने वाले लोग हैं। उससे मैंने ये पूछा ना कि भाई अगर इंडिया का बंदा होता तो क्या करते, तो वो कह रहा मैं इंडिया वाले की भी हेल्प करता। अच्छा लगा यार। अंकल जी, ओ चाचा, बात सुन लो यार, कैसे हो भाई? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या लगाया हुआ यार आपने? आइसक्रीम। यार मेरे पास दरअसल ना मेरे मतलब नेपाली करेंसी है, तो या तो फिर आप ये वाले पैसे ले लें मेरे से, तो या फिर मुझे वैसे खिला दें। खा लें आप जो सी मर्जी। कौन से खाएंगे? पैसे नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हो, जो सी मर्जी खाओ। अच्छा जी, कौन कौन सी आपके पास? चौक बार है, कप है, कुल्फा है। कितने कितने वाली हैं? चौक बार वो 60 वाली है। अच्छा, कप है 120 वाला। 120 वाली है जी। ठीक है, इसके साथ वो चम्मच तो दे दे मुझे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू यार, शुक्रिया भाई जान, शुक्रिया। थैंक यू, ओके। चलो जी, आइसक्रीम ले लिया हम लोगों ने यार। वो बंदा चला गया, उसको खिला लूं। ओ हेलो, ओ चाचा रुक जा। ओ चाचा रुक जा, रुक जा। बात सुनो यार, ये कितने की है? यार ना दरअसल मैं आपको बताता हूँ, मैं ना सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है? तो शुक्र है यार, आप लोगों ने पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान की इज्जत रखी है। ये लो, ये अपने पैसे रख लो, ये लो। कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं नहीं यार, कोई बात नहीं। अबे भाई मैं पाकिस्तानी हूँ यार, कोई बात नहीं है, रख लो यार। 100 दे दो बस। 100 रुपए? 500 दे दो। ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। एक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ओके ओके। 120 की थी यार, मैं फिर छोड़ दी। चल ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू भाई। मैंने कहा यार चल, बंदे ने इतनी हेल्प की है, कम से कम उसकी आइसक्रीम भी तो बिकनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? चले जी, मेन मार्केट में हम लोग आ गए। सलाम अलैकुम, क्या हाल भाई जान? ठीक है, बड़ी बात है। क्या लगाया हुआ भाई? जूस गाजर का। यार दरअसल बात यह है कि मैं नेपाल से आया हूँ, तो यार ना मेरे पास पाकिस्तानी जो पैसे थे ना, करेंसी एक्सचेंज कराई थी, वो तो गिर गए हैं। तो अभी बस मेरे पास ये नेपाली करेंसी है, तो ये मुझे एक गिलास दिला दे, या तो ये करेंसी ये वाली ले ले, या तो मुझे वैसे दिला दे। पैसे मुझसे ले, हमारा मेहमान है, नेपाल से आया माशाल्लाह, उससे पैसे ले और भाई को गिलास पिए। भाई माल्टा का है, आपने जो चीज खानी चाहिए मैं अपनी तरफ से खिला दूं। जो चीज खाना चाहे मेरी तरफ से आपसे, थैंक यू भाई, थैंक यू यार। जो चीज खाना चाहे, थैंक यू यार। और कुछ नाश्ता वगैरह? नहीं नहीं भाई, शुक्रिया भाई। सिगरेट पान चालिया? नहीं नहीं, सिगरेट मैं नहीं पीता भाई। भाई के पैसे भाई मेरी तरफ से। अरे भाई शुक्रिया। एक गिलास पिएगा, दो पिएगा, पांच पिएगा, भाई मेरी तरफ से पिया, हमारे आप मेहमान है। शुक्रिया भाई, माशाल्लाह, इतनी दूर से आए हमारे मेहमान है। माल्टा खाना चाहे तो माल्टा भी खा सकते। नहीं नहीं भाई, थैंक यू। कोई चीज खाना चाहे, कल भी आए तो कल भी खाए, ये फिक्र हो। शुक्रिया भाई, आप जितने दिन इधर है आप खा सकते, फ्री में खिलाऊंगा। थैंक यू भाई। वो कहते हैं ना, दुकान छोटी हो तो दिल बड़ा होना चाहिए भाई। सही बात है, सब दिल की बात। वैसे भाई ये कितने का है? 50 का है। भाई नेपाल वालों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको ईमान दे, इज्जत दे, आपके हमतियान में और अजमैश में इजाफा नहीं करे, नरमाई पैदा करे। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू भाईजान। भाईजान और कुछ? शुक्रिया यार, जितने दिन इधर है भाई खाएंगे, बेफिक्र होंगे। अरे भाई शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इससे आपको कितने पैसे बच जाते हैं दिल्ली के? जी मैं दिहाड़ीदार हूँ, घर में 20 साल से अकेला कमाने वाला हूँ। अच्छा, तो घर का गुजारा हो जाता है इन पैसों से? भाईजान ईमानदारी से एक टाइम का खा लेंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा। अच्छा, ये दुआ करें मैं अपने बच्चों को अच्छी तरबियत और तालीम दे सकूं। सही बात है, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। ओके भाई,
अच्छा आप इनसे पैसे लेंगे या आप खुद खिला? हाँ भाई उनसे नहीं लेंगे पैसे, आपने खुद खिलाया। थैंक यू भाई, शुक्रिया यार, थैंक यू भाई, थैंक यू, ओके शुक्रिया जी। चले जी, देखा यार कितने अच्छे लोग हैं, कसम खुदा की बस आज ना सही प्राउड हो रहा पाकिस्तानी होने में। पता है डेली कमाते हैं, अगर एक दिन ना कमाए ना तो अगले दिन के घर में खाना नहीं पकता, यकीन करें। बस यार काफी दूर ही आ गए, चलो जी अभी हम लोग उनके पास वापस चलते हैं, ठीक है। पचास का था वैसे, नहीं नहीं भाई मैं बताता हूँ, मैं ना सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा बाहर से आता है पाकिस्तान में घूमने के लिए, पैसे चोरी हो गए, गिर गए, या कोई मसला बन गया, या मनी एक्सचेंज नहीं हुआ, जैसे नेपाल की करेंसी जो एक्सचेंज नहीं होती पाकिस्तान में, भूल के वो यहाँ की करेंसी लेके आ गया, तो वो पाकिस्तान में इतने दिन कैसे गुजारेगा? यहाँ के लोग उसको खाना खिलाएंगे कि नहीं, उसकी हेल्प करेंगे कि नहीं, बस यही चेक कर रहे थे, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं 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 यार, नहीं नहीं भाई ले, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं ये ले, ये नहीं रखे, नहीं भाई नहीं, ले लो भाई, ले लो। थैंक यू भाई, यकीन करो आपने खुश कर दिया यार। आप भी खुश रहे, अल्लाह आपको ईमान भी दे और इज्जत। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। चलो हमारी तरफ से निभा के एक नोट रखे आप, ये पैसे गिर गए यार। चलो भाई एक नोट आप भी रखो, ठीक है, याद रहेगी नेपाल के नोट की, सही है। ओके भाई शुक्रिया, हाँ बिल्कुल, थैंक यू भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओके भाई थैंक यू शुक्रिया। देखा बंदे पैसे भी नहीं ले रहे थे, पता अभी हम लोग ना डायरेक्ट चलते सामने वाले होटल में, सामने काफी बड़ा होटल है, खाना खाएंगे इतने, क्योंकि मेरा ना पेट भर गया भाई, लेकिन जाके ना एक्सपेरिमेंट ही करना है बस। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान, ठीक है यार। ना दरअसल मैं नेपाल से आया हूँ और मैंने ना एक्सचेंज नहीं करवाई करेंसी नेपाल से, मेरे पास ये नेपाली करेंसी है सारी, इधर पाकिस्तान में तो एक्सचेंज होती नहीं है, तो मैंने खाना खाना आप ये या फिर करेंसी रख लें खाना खिला लें। नहीं चेंज तो होती नहीं है, नहीं पाकिस्तान में होती नहीं है यार, नहीं होती यार, मैंने यार मैंने खाना खाना पैसे नहीं है यार मेरे पास। फिर आप नेपाल से उर्दू कैसे बोल रहे हैं? नेपाल में हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी बोलते हैं हम लोग उधर। अच्छा, वहां पे चले जाएंगे ये बैंक से हो जाएगी, बैंक से नहीं होती है यार। चलो फिर मनी एक्सचेंजर से पता करते हैं। नहीं उधर एक्सचेंजर पे पाकिस्तान नेपाल ही नहीं सकते हैं हमारा, खाना खिला नहीं सकते यार आप, खाना नहीं खिला सकते यार आप, हम पैसे भी खिलाएंगे। रेस्टोरेंट है भाई जान, रेस्टोरेंट में खड़े हैं आप, यहां पे बिल पे करें अपना कैश के साथ। हां सही बात, हां सही है भाई, थैंक यू भाई, ओके शुक्रिया। चेक किया भाई, अच्छा मैं तुम दसदा मैं पंजाबी हूँ, पाकिस्तानी हाँ, ठीक है, मैं कोई आउट ऑफ कंट्री तो नहीं आया, बस मैं ना लोगों को चेक कर रहा हूँ कि यार अगर कोई बाहर मुल्क चो आता बेचारा गरीब होंगे, पैसे छे नहीं आते, खरीद जाते कोई मसला होंगे, तो तुझे लोग उन्होंने हेल्प करते हैं कि नहीं? बाकी तुम सही उच्चा किया शेयर दाड़ा ना, पाकिस्तान का सही नाम रोशन किया, थैंक यू, ओके। देखे देखे कि वो बड़े लोग हैं, ठीक है, और उनका दिल चेक करें, इतना को दिल है यार, मतलब इंसान की वैल्यू खाने से भी कम है क्या, मतलब उसने मना कर दिया है। होनेस्ट हम लोग रिएक्शन लेने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक का। चलें जी अभी हम लोग चल के चाय पीते हैं ढाबे से, गंज शकर टी स्टॉल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल भाई जान, करम भाई जान, फिर फाड़ो, ठीक ठाक। अच्छा यार ना बात दरअसल ये है कि मैं नेपाल से आया हूँ, तो मतलब ना बंदे को ना जो बंदा अच्छा खासा हो ना, तो वो जब किसी से मांगता है तो बंदा शर्म भी आती है ना। दरअसल बात ये है कि मैं ना जब नेपाल से आया मैंने ना मतलब जो करेंसी एक्सचेंज करवाई थी वो तो लग गई है, तो पाकिस्तान में नेपाली करेंसी एक्सचेंज नहीं होती है, मेरे पास है तो आप मुझे चाय पिला दें, आप मेरी करेंसी इधर से ले लें यार मेरे से। आप चाय पी लें ना, पैसे कोई नहीं, पैसे की कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा चाय पिला दोगे वैसे? ठीक है यार एक चाय पिला दो, ठीक है ओके। अच्छा चलो यार चाय पीते हैं, यार चाय बोली थी भाई आपको,
यार ये बिस्किट तो मैंने आपको नहीं बोला भाई। कोई बात नहीं, आपको साथ। अच्छा पैसा नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा आप लोग वैसे इधर पंजाबी बोलते हो उर्दू बोलते हो? पंजाबी बोलते हो। अच्छा अच्छा ठीक। चाय कितनी की वैसे भाई? 50 की होती है आपके इधर। 40 का तो बिस्किट आपने साथ दे दिया यार। प्यार मोहब्बत हमसे। थैंक यू भाई। ब्रदर मेरी बात सुनो, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो आपके पहले ये बताइए कितने की चाय कितने की है? 50 की। 50 की। और वो बिस्किट कितने का था? 40 का। 40 का, ये 100 रुपये रखे आप। नहीं बस रहने दो आपके, मेहरबानी आपकी। नहीं 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 भाई, नहीं 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 रख लो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। नहीं नहीं भाई, मैं ना सोशल मोहब्बत, मेरी बात सुनो। मैं ना, मैं नेपाल से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है? मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है? तो मैं ना सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा दूसरे कंट्री से आता है, उसके अल्लाह ना करे पैसे छिन जाते हैं, गिर जाते हैं, तो पाकिस्तान के लोग उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं? करते हैं भाई। करते हैं? हाँ, मोहब्बत है। थैंक यू यार, थैंक यू। हम भी पाकिस्तान से भाई बहुत मोहब्बत करते हैं। ओके, बहुत मोहब्बत है। ये लो, नहीं रख लो, रख लो यार, और रख लो भाई। बस रहने दो यार। यार ये क्या जी बात हुई यार, मेरे व्यूवर्स कहेंगे फ्री में खा लिया भाई, पैसे भी नहीं दिए। नहीं नहीं रख लो यार, आप गरीब आदमी हो। नहीं नहीं यार, कोई बात नहीं यार, कोई। आप एक दिन का कितने कमा लेते हो वैसे इधर से? भाई इधर कमा लेते हैं 700-800। 700-800, फिर भी ये रख लो यार। अबे भाई रख ले यार, अबे भाई रख ले यार, बस रहने दो भाई। भाई वो जबरदस्ती कर रहा, अभी ले ही नहीं रहा यार। ओके यार, थैंक यू भाई। ओके शुक्रिया मेरे भाई, ठीक है यार। देख यार 700-800 रुपये कमाने वाला बंदा यार, कसम से, मतलब उसने पैसे भी नहीं लिए। देखा बहुत अच्छी चीज़ है यार। वो कह रहा था मोहब्बत है हमें आपसे, मुझे लग रही है भूख, हम लोग चलते हैं दही भल्ले खाने। चना चाहता क्या है, गोलगप्पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? ठीक है। क्या हाल भाई जान? ठीक है। आपकी आँख को क्या हो गया भाई? चोट आ गई। अच्छा अच्छा, चोट आ गई। अच्छा यार ना, दरअसल बात यह है कि मैं नेपाल से आया हूँ, तो मेरे पास नेपाली करेंसी है, इधर से एक्सचेंज नहीं होती यार नेपाली करेंसी। तो जो मतलब पाकिस्तानी करेंसी थी वो मैंने यूज़ कर ली है। या तो आप मेरे से नेपाली पैसे ले लें, मुझे खिला दें, मतलब नेपाली करेंसी ले लें और मुझे खिला दें। खिला, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, पैसे नहीं, कोई बात नहीं, खिला खा लो जी। फ्री खिलाओगे? फ्री जी। करेंसी नहीं चाहिए वाली? अच्छा साड़ी कोई तो चलनी नहीं जी। अच्छा अच्छा, आपके पास चलेगी नहीं? हाँ इधर तो वैसे नहीं, वो चेंज नहीं होती ना। मुझे दही भल्ले की एक प्लेट खिला दें यार। ठीक है, बहुत भूख लगी भाई। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ओए होए होए, मज़ा आ गया यार। ये देखो भाई, ये हैं जी दही भल्ले, ठीक है? अभी हम लोग खाते हैं, कसम से मुझे तो भूख लग रही सुबह से बहुत ज़्यादा। खाना तो सुबह हमने खा लिया था ना। दही भल्ले हमने खा लिए जी, ठीक है भाई जान। थैंक यू यार, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू जी, शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। थैंक यू जी। चले जी, मेरा ना मूड बन रहा है कि इसको ना ज़्यादा पैसे दूं यार। इस बंदे ने ना ऑफ द कैमरा ही मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी कसम से, और मुझे कह रहा था भाई खाना खाना, क्या खाना मुझे बताओ। मैंने कहा नहीं यार, ये 100 रुपये की प्लेट है ना, इसे हम लोग 500 रुपये हमारी तरफ से इनाम देंगे, ठीक है? चलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो भाईजान? मेरी बात सुनो, कितने पैसे, कितने की प्लेट थी? प्लेट 100 रुपये। 100 रुपये की? ये लो आपका 100 रुपये। नहीं सर, मैंने लेने जी। क्यों नहीं लेना? नहीं 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 नहीं, ले लो यार। नहीं सर, नहीं ले लो, ले लो, मेरे पास है, मैं चेक कर रहा था आपको। सर पैसे मैंने लेने जी। क्यों जी? नहीं जी यार, वो पंजा आपको खिला दिया, पैसे बयान नहीं लेने। नहीं नहीं यार, ले लो, ये रख लो। मेरे पास नहीं पैसे, नहीं आऊं नहीं लेने जी। और नहीं लेने नहीं। पर ले लो भाई, ले लो। नहीं सर, नहीं। यार मैं, मेरी बात सुनो पहले, सुन तो लो मेरी बात सुनो। हां जी, मैं ना सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि मतलब अगर कोई बंदा दूसरे कंट्री से आता है तो पाकिस्तानी लोग उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं? अल्लाह ना करे उसके पैसे गिर गए, छिन गए, तो पाकिस्तानी लोग उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं, है ना? तो हम लोग ये चेक कर रहे थे कि पाकिस्तान लोग कितनी हेल्प करते हैं, पंजाब के लोग कैसे हैं। तो इस वजह से जो है ना, मैं ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। रख नहीं, अब नहीं 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 नहीं, अब नहीं पैसे लाने। क्यों नहीं जी? यार ये बंदा तो एक रट लगा आपको जी, खिला दिया। नहीं मेरी बात सुनो, आप मुझे ये बताइए एक दिन के कितने पैसे कमाते हैं आप? 500-600 कमाते हैं। 500-600? पहले तो ये 100 रुपये पकड़ो। नहीं तुम्हें कसम है यार, ये पकड़ लो मेरी बात सुनो, ये 100 रुपये पकड़ा और ये 500 रुपये तुम रख लो, ठीक है? और नहीं नहीं रख लो, रख लो, ये रख लो, ठीक है? ये
ठीक है ठीक है ओके थैंक यू मेरे भाई ओके अल्लाह हाफिज भाई थैंक यू। चलें जी देखें यार मतलब बंदा कितनी जिद कर रहा था कसम से पैसे ले ही नहीं रहा था ये बंदा मुझे ना पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यार 500-600 रुपये कमाने वाला और जो है ना उसने मेरी इतनी हेल्प की तो इसलिए मैंने उसको 500 रुपये इनाम दे दिया यार क्या याद रखेगा। तो गाइस अभी मैं कार स्टैंड पे आ गया हूँ भाई यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले यहाँ पे चलेगा पाकिस्तानियों का पता। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी भाईजान क्या हाल है ठीक है माशाल्लाह क्या हाल है ठीक हो अच्छा यार दरअसल बात ये है कि मैं नेपाल से आया हूँ भाई नेपाल का पता आपको नेपाल के बारे में कभी सुन नहीं पता आपको आपने पढ़ा हुआ है जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है जी जी तो दरअसल बात ये है कि मतलब जो मैंने नेपाल की करेंसी एक्सचेंज करवाई थी ना वो तो सारी मैंने जो है ना लगा ली है मेरे सारे पैसे लग गए हैं तो अभी जो मेरे पास नेपाल की करेंसी है ना वो पाकिस्तान में चेंज नहीं होती है तो मैंने अभी ना बस स्टैंड पे इधर जाना कितने किलोमीटर है इधर से 15-20 किलोमीटर है इधर से 15-20 किलोमीटर है अच्छा तो यार दरअसल मेरे पास पैसे नहीं या तो आप लोग नेपाल की करेंसी ले लो या फिर मुझे उधर कोई छोड़ के आ जाओ यार मेरी बस निकल जानी मेरी फ्लाइट है कल की नेपाल की ठीक है छोड़ोगे छोड़ दें करेंसी आप नेपाल की लोगे नहीं नहीं अच्छा ऐसे छोड़ के आ जाओगे ठीक है यार छुड़वा दो यार आ जाओ ठीक है थैंक यू भाईजान थैंक यू यार थैंक यू भाई थैंक यू चलो अच्छा किधर उधर से ना आता हूँ ओके पंद्रह 17 किलोमीटर तो पूरा बस स्टैंड यार इधर से जी चलें भाई जन चलें चलें भाई इधर से वैसे आप लोग कितने पैसे लेते हो ये मतलब कार के पत्रो भाई गाड़ी कोई मकसद है कोई सवारी वगैरह हो तो उससे भी तो 2000 भी ले लेते हैं 2500 भी ले लेते हैं अच्छा अच्छा लेकिन अब आपके पास नहीं है अच्छा कोई तो नहीं बस ठीक है भाई शुक्रिया यार चलें जी हम लोग बस स्टैंड पे आ गए थैंक यू भाई शुक्रिया यार कोई बात नहीं अल्लाह आपको ज्यादा दे भाईजान थैंक यू ओके ओके भाई गाड़ी जा रही है इसके ना मैं आगे से हो जाता हूँ बात सुनो भाई बात सुनो यार मैं आपको बताता हूँ मैं ना सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ठीक है मतलब अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आता है जी भाई। कोई टूरिस्ट आता है उसके पैसे गुम जाते हैं या छिन जाते हैं तो पाकिस्तानी लोग उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं हाँ अच्छी चीज है ना जी जी। तो आप ना ऐसा करें कितने पैसे वैसे आपके पास नहीं नहीं यार पैसे रखे यार ये आपने बोला ना 2000 भी लेते हैं 2500 भी नहीं 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 यार सर नहीं आप मेरे आप हमारे मेहमान है अब हमारे भाई हैं कोई नहीं यार नहीं ऐसे नहीं यार नहीं इतने ज्यादा पैसे देखें कोई नहीं 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 50-100 होता ना तो मैं रख लेता नहीं आप क्या भाई खाना वगैरह खाना भाई नहीं नहीं भाई मैं बस मैं चला जाऊंगा नहीं आप हमारे मेहमान हैं नहीं नहीं यार नहीं भाई शुक्रिया नहीं रख ले रख ले नहीं भाईजान नहीं हमने पैसे रख लो आपकी मोहब्बत ये लो भाई यार ठीक है यार रख ले थैंक यू यार ओके मोहब्बत है ओके जी शुक्रिया भाई ओके थैंक यू ओके भाई चले जी 2000 रुपये मैंने कहा यार ये तो ऐसे ही नहीं ना छुड़वा सकता क्या ख्याल है अच्छे लोग हैं यार बाकी कमेंट्स में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।